त्योहारी सीजन में इन दिनों सिरसा जिला में अपराधियों में इस कदर पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है कि आए दिन जहां दुकानों के ताले टूट रहे हैं, कहीं रोजाना मोहल्लों में चोरियां हो रही हैं, तो कहीं दिन दिहाड़े बदमाशों द्वारा सरेआम खूनी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला बेगू रोड स्थित प्रीतनगर में सामने आया, जहां शिखर दोपहर 1 बजे अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स के संचालक पर ताबड़तोड़ तेज हथियार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। इस वारदात के बाद संचालक अब मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस बड़ी वारदात के बाद सिरसा वासियों में खौफ का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पुलिस तफ्तीश कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करने में जुटी है, जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष नजर आ रहा है। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी जगत मौके पर पहुंचे। डीएसपी का कहना है कि दुकान में खून के छींटे मिले हैं। संचालक के बयान होने पर ही वारदात के संबंध में सही सच्चाई पता चल पाएगी। जानकारी मुताबिक प्रीतनगर में रामगोपाल ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। शुरुआती तौर पर पता चला कि दोपहर को अज्ञात लोग यहां आए। बताया जाता है कि उक्त लोगों ने संचालक पर ताबड़तोड़ तेज धार हथियार से हमला कर दिया और बदमाशों के जाने के बाद खून से लथपथ संचालक शोर मचाते हुए बाहर आया और लोगों से मदद मांगी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि संचालक बचाओ बचाओ कहता हुआ दुकान से बाहर आया, उसके पेट पर चाकू घुसा हुआ था। बदमाशों ने अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर तक तोड़ डाली और इसके साथ ही दुकान में मौजूद 10 लाख से भी ऊपर का सोना चांदी साथ लेकर फरार हो गए। वहीं इस पूरे मसले पर जब सचखों ने डीएसपी जगत मोहर से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। देखिए, हमारे को इतला मिली थी, हमारी 112 नंबर गाड़ी मौके पर आई थी, फिर हमें सूचना मिली, एसएचओ सिटी मौके पर आए, मैं भी मौके पर आया और टीमें भी आई है हमारी। अंदर जो दुकान के देखा गया है उसमें खून के धब्बे हैं, निशान पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमें अभी तक कुछ कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जिसकी चोट लगी है वो अभी कुछ बता नहीं पा रहे। एसएचओ सिटी वहाँ गए थे और आस पड़ोस में पूछताछ की जा रही है, कैमरे देख रहे हैं कहाँ कैमरे हैं, क्या को क्लू मिलता है वो आपसे बाद में शेयर कीजिए। अभी कुछ भी ये क्लियर हुआ नहीं कितने लोग थे, अभी उसने कुछ भी नहीं बताया, ना किसी ने पड़ोसी साथ वाले दुकानदार ने देखे, ना किसी ने बताया अभी तक। फुटेज अभी चेक नहीं करी है हमने, सीन ऑफ क्राइम आई है वो अपनी एक बार मौका देखने लग रही, चेक करने लग रही क्या क्या क्लू मिलते हैं, उससे आगे जांच बढ़ेगी। कंडीशन सुटेबल है फिलहाल तो। देखिए, अभी ये नहीं बताया क्या सामान लूट के ले गए या कोई और झगड़ा है, क्योंकि वो बताएंगे रामगोपाल जिनको लगी है और कैमरे की जांच करेंगे, सीन ऑफ क्राइम हमारी लग रही है वो जांच कर रहे हैं। अब किसी एंगल से हम कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है, अभी तो जांच में कोई आगे आएगा या वो स्टेटमेंट देंगे, उसके आधार पे अगली जांच वो करेंगे। खैर, वारदात के घंटों बीत जाने के बाद जिस तरीके से त्योहारों के सीजन में सरेआम तेज हथियार से रामगोपाल पर जानलेवा हमला करने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, ऐसे में ढीली चल रही तफ्तीश से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने लाजमी है। बहरहाल, शहर में दिन दिहाड़े हो रही चोरी डकैती तेज हथियारों से जानलेवा हमलों के बाद शहरवासियों की सुरक्षा अब राम भरोसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।